नमस्कार दोस्तों, आइए बात करेंगे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बारे में। देखेंगे चर्चा में क्यों है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ द्वारा भारत के लिए 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। बात करेंगे इसमें निवेश के लिए शर्तों के बारे में। निवेश एफटीए की शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है। एफटीए दस्तावेज 100 मिलियन डॉलर के निवेश को पहले 10 वर्षों में 50 मिलियन डॉलर और अगले 5 वर्षों में 50 मिलियन में ब्याज दिखाता है। एफडीआई की उपलब्धियां क्या है? एफटीए सदस्यों ने भारत में 10.07 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसमें केवल अकेले स्विट्जरलैंड से 9.96 बिलियन डॉलर शामिल है। भारत और एफटीए के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पिछले साल 23.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। एफटीए के बारे में, एफटीए काउंसिल जिसकी साल में 8 बार बैठक होती है, राजदूत स्तर पर और मंत्री स्तर पर 2 बार। एफटीए निगरानी प्राधिकरण से आइसलैंड, लिश्टेनस्टाइन और नॉर्वे ने यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र नियमों के अनुसार पालन पर नजर रखता है। एफटीए कोड लग्जमबर्ग में स्थित इसके पास ये समझौते कार्यान्वयन आवेदन या व्याख्या के संबंध में आंतरिक और बाहरी विवादों को निपटाने का अधिकार है।